देख रहे हैं एसआर न्यूज। आज आपको दिखाने जा रहे हैं नालंदा जिला के सोसराय वार्ड नंबर 5 मोहल्ला सलीमपुर के बिजली विभाग की लापरवाही। जो आप देख सकते हैं कि पानी जो हर साल आ जाता है बरसात में, वहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो आज तक हटा नहीं। वो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं किस तरह वो लटका हुआ पानी में, समझिए कि वो पुल खत्म, वो पुल भी टूट चुकी है और जो ट्रांसफार्मर का पुल है वो इसी तरह खड़ा हुआ है। कोई यानी कभी भी वो ट्रांसफार्मर पानी में गिर सकती है और मोहल्ला सलीमपुर का इस ट्रांसफार्मर से पूरा लाइन सप्लाई होता है। ये ट्रांसफार्मर कभी भी पानी में गिर सकती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जो कि पुल भी अभी नया बना था, एक साल हो रहा है, वो पुल भी टूट चुका है। जो कि ये मेन रास्ता था, लोगों को, हर समुदाय के लोग इसी रास्ता से आते थे, बाजार की तरफ जाना होता था, कोई भी जरूरत का चीज हो, इमरजेंसी हो, डॉक्टर के, हॉस्पिटल हो, कहीं भी जाना होता था, इसी पुल से जाते थे। लेकिन वो एक साल ये पुल बने हुआ, आप देख सकते हैं कैसा विकास हुआ है और कैसा काम हुआ है। ये जर्जर हालत है, ना बिजली विभाग की ध्यान है और ना पुल पे ध्यान है। रास्ता भी बंद है, लोग घूम के जा रहे हैं। वार्ड 5 मोहल्ला सलीमपुर के लोग परेशान रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं कि कभी भी ट्रांसफार्मर गिर सकता है और लाइन भी जाएगा और जान भी जा सकती है। आप ये कहेंगे बिजली विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और नीतीश कुमार कहते हैं बिजली हमने सुधारा है, मीटर चेंज हो रहा है, बिजली का दाम बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिजली को सुधारने का, बिजली का जो मेन है ट्रांसफार्मर जो सप्लाई होता है मोहल्ले में, वो अभी तक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे स्क्रीन पर वो ट्रांसफार्मर पानी में खड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है, पुलिया भी टूटी हुई है। इसलिए मैं बिजली विभाग से और सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे और लोगों की जो मुसीबत है वो दूर हो।